तैयार है। साथियों, जब उम्मीद बड़ी हो, व्यक्ति की जब उम्मीद बड़ी हो तो हमें मेहनत भी उसी तरह से बड़ा करना होगा ताकि अचीवमेंट हमको मिलकर रहे। हम आपके बीच ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे और आप आरएनजे एकेडमी को अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम हियर विद वोकैबुलरी वर्ड्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सिनोनिम्स। टॉप 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए टीजीटी पीजीटी एनडीए सीरियस और एसएससी सीजीएल एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं ये टॉप 10 क्वेश्चन में हम क्या सीख पाते हैं। सबसे पहला है, देखते हैं, इंस्ट्रक्शन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। वो ऑप्शन सेलेक्ट करिए जो सेम हो मीनिंग में, यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है। सबसे पहला है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल के लिए सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑप्शन दिया है क्विक चेंजिंग, मैकेनिकल, हेवी एंड क्लाउनिश। क्लाउनिश, अब देखिए मर्क्यूरियल मींस क्या होता है? मर्क्यूरी जो होता है वो उसका नेचर होता है कि वो बहुत तुरंत तुरंत अपना नेचर चेंज करता है ना, तो क्या होगा? क्विक चेंजिंग। यस, मर्क्यूरियल का सिनोनिम होगा क्विक चेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इम्ब्यूड। इम्ब्यूड के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? ऑप्शन दिए हैं फिल्ड, अप्रोचेबल, एनर्जेटिक, बिजी एंड प्लीज्ड। इसमें चार नहीं 5 ऑप्शन दिया है, कोई बात नहीं है। इम्ब्यूड मतलब क्या होता है? प्लेंटी ऑफ, फुल, भरा हुआ, और इसमें इसका सिनोनिम होगा फिल्ड। इम्ब्यूड का होगा फिल्ड, अप्रोचेबल, एनर्जेटिक, बिजी और प्लीज नहीं होगा, फुल होगा, फुल यानी फिल्ड। अगला है इंडेमनिटी, बहुत बढ़िया ये वर्ड है इंडेमनिटी, और इसके सिनोनिम्स के लिए ऑप्शन क्या दिए हैं? हाईनेस, रिक्वायरमेंट, इंटेंसिटी एंड कॉम्पेंसेशन। अब देखिए इंडेमनिटी क्या होता है? जब सरकार कहीं सड़क बनाती है या कोई कोई नया प्रोजेक्ट लाता है तो सरकार जमीन को अधिग्रहित करती है, तो बदले में उसके लिए इंडेमनिटी देती है जिसके हम कहते हैं कंपनसेशन, इसे कहते हैं कंपनसेशन। तो इस तरह से इंडेमनिटी का बनेगा कॉम्पेंसेशन, सरकार कॉम्पेंसेशन देती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, जैसे है हाइटस या हियाटस कहते हैं, हियाटस। देखिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं एट्रोसियस, गैप, डोमिनेंस एंड ऑब्स्क्योर। देखिए हियाटस मींस होता है टू बी अवे फ्रॉम, मींस बीच में कुछ डिस्टेंस हो, यानी गैप, गैप होगा इसका, हियाटस का गैप होगा। अगला है ऑर्बिट। आप भी चेक करिए कि आपका कितना तैयार है, आप कितना रिप्लाई दे पाते हैं। अगला देखिए ऑर्बिट, ऑर्बिट आप जानते हैं ऑर्बिट। देखिए इसके सिनोनिम्स के लिए ऑप्शन दिया है कार्व्ड पथ, कोर्स ऑफ पर्सन्स आई, इलेप्टिकल, रेंज ऑफ एक्टिविटी। तो ऑर्बिट का मतलब तो समझ रहे हैं कि सारे सभी जो है प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी कार्व्ड पथ होगा ऑर्बिट का, कार्व्ड पथ होगा। ठीक है, अगला देखते हैं डेप्रिकेट, बहुत बढ़िया वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया है डेप्रिकेट। इसके ऑप्शन दिए हैं डिनाउंस, वेयर एंड टेयर, डिग्रेड और डिसअप्रूव। देखिए डेप्रिकेट, किसी चीज को डेप्रिसिएट करना या डेप्रिकेट करना मतलब हुआ कि उसको अप्रूव नहीं करना, है ना, यानी डिसअप्रूव करना, डिनाउंस, वेयर एंड टेयर, डिग्रेड और डिसअप्रूव, इसका डिसअप्रूव होगा, डिसअप्रूव होगा। ठीक है, अगला देखते हैं इंसेसेंट, इंसेसेंटली, ही वॉज डूइंग हिज वर्क इंसेसेंटली। देखिए इसके सिनोनिम्स में ऑप्शन दिए हुए हैं एवरलास्टिंग, कंटिन्यूअस, ओवरलुकिंग, ओवरफ्लोइंग। इनसेसेंटली मींस होता है कंटिन्यूअसली, तो यहां क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस।
incessant means continuous. ठीक है, अगला देखते हैं स्पार्श. स्पार्श means extremely cold, बहुत ठंडा, या not dense, एक पास नहीं होना, redundant और sparkling. ये चार ऑप्शन दिए हैं. पहले जान लीजिए आपकी स्पार्श मींस होता क्या है. स्पार्श मींस होता है जैसे कहीं अगर लोग बहुत दूर दूर खड़े हों, या कोई पेड़ लगाया गया है, वृक्ष लगाए गए हैं, वो दूर दूर लगाया गया है, तो दे आर स्पार्शली प्लांटेड, ऐसे बोलते हैं हम. तो स्पार्श का हो जाएगा नॉट डेंस, जो डेंस ना हो, जो पास पास में ना हो, वो स्पार्श होता है. कभी कभी हम वेव्स के लिए भी यूज करते हैं कि द वेव्स आर स्पार्स. ओके, अगला देखते हैं कंड्यूसिंग. वाओ, अच्छा वर्ड है कंड्यूसिंग. इसके ऑप्शन दिए हैं प्रोहिबिटिव अगेंस्ट, हेल्पिंग टू रिड्यूस, प्रोन टू मिनिमाइज, टेंडिंग टू प्रमोट, या हेल्पिंग टू डिटोरिएट. पहले जान लीजिए कि कंड्यूसिव क्या होता है. किसी चीज को हम लाते हैं तो क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करना कहते हैं, है ना. और जब उस चीज को हम चाहते हैं कि हम उसे किसी को प्रमोट करें, लोगों को बताएं, तो कंड्यूस करते हैं. ठीक है, तो कंड्यूस मींस क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू प्रमोट, कोशिश करना कि प्रमोट करें. ठीक है, प्रमोट करने की कोशिश करना. और लास्ट है डोलफुल. इसके ऑप्शन दिए हैं मॉर्नफुल, सॉबर, रिग्रेटफुल और चीयरलेस. देखिए, जो जो चीज डोलफुल होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें आनंद बहुत कम होता है, चीयरफुलनेस नहीं होता है, चीयरलेसनेस होता है ना. डोलफुल तो मॉर्नफुल, सॉबर, रिग्रेटफुल, चीयरलेसनेस, चीयरलेस हुआ. साथियों, प्रैक्टिस किया आपने टॉप 10 क्वेश्चन का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपना आंकड़ा लगाया होगा कि आपका कितना तैयार है. अगर ये टॉप 10 में से आपके 6 भी तैयार हैं, तो आपका वोकैबुलरी बढ़िया तैयार है. साथियों, जब उम्मीद बड़ी हो, व्यक्ति की जब उम्मीद बड़ी हो, तो हमें मेहनत भी उसी तरह से बड़ा करना होगा, ताकि अचीवमेंट हमको मिलकर रहे. हम आपके बीच ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे, और आप आरएनजे एकेडमी को सपोर्ट बनाए रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.